कि नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किस तरह से वहां पर तैयारी की गई है और क्या कुछ खास रहने वाला आज, इसे लेकर हमारे संवाददाता आईडीपीएल मैदान से जुड़ गए हैं हरीश। हरीश, किस तरह की तस्वीर, क्या तैयारी, और प्रधानमंत्री एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंच रहे, ऋषिकेश पहुंचेंगे, क्या वक्त बताया जा रहा है, और चुनावी हुंकार भरते हुए पीएम नजर आने वाले हैं? रंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के ये दूसरी जनसभा ऋषिकेश आईडीपीएल मैदान पर है। और मैं जानकारी दे दूं कि 11:45 पर विशेष विमान से नरेंद्र मोदी जोलीग्रांड एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 12 बजे आईडीपीएल मैदान में पहुंचने का समय है। आप देख सकते हैं मंच पर तैयारियाँ की जा रही है और मंच पर 3 मंच होंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल लोकसभा से सांसद प्रत्याशी अनिल बलोनी और टिहरी लोकसभा से माला राजलक्ष्मी शाह और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंच पर, और इसके अलावा संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा की पूरी कमान SPG ने अपने हाथों में ले ली है। आप देख सकते हैं किस तरीके की भव्य तैयारियां चल रही है। डॉग स्क्वाड की टीम तमाम यहां पर जो सुरक्षा संबंधी अधिकारी है वो यहां पर रैकी कर रहे हैं और यहां पर इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर हैं वो भी मौजूद हैं। BJP के पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोगों का जो BJP के कार्यकर्ता है उनका आने का सिलसिला जारी है और तमाम और भी लोग हैं। हमारे साथ एक BJP के कार्यकर्ता है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गोविंद अग्रवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऋषिकेश जिले का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, प्रदेश कार्य समिति का मेंबर हूँ। मोदी जी का इंतजार हो रहा है? केवल और केवल इस समय मोदी जी का इंतजार हो रहा है और उत्तराखंड की जनता उनको सुनना चाहती है और उनका पूरी जनता का उनको समर्थन है और ऐतिहासिक समर्थन है। इस बार जैसा समर्थन न कभी हुआ है न होगा, ऐसा समर्थन, ऐसा वातावरण बना हुआ है। लोग बड़े प्रफुल्लित हैं इस समय मोदी जी के लिए। मोदी जी का ऋषिकेश से आध्यात्मिक नाता रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने लगभग 30-40 साल पहले अगर उनके कोई पिक्चर देखे हो तो मोदी जी ने ऋषिकेश दयानंद आश्रम से उनका विशेष संबंध रहा है। दयानंद आश्रम में उनके गुरु स्थान है और वो कई बार यहाँ आए भी हैं और मेरा स्वयं का सौभाग्य हुआ है कि एक समय जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनको स्कूटर से यहाँ पर दयानंद आश्रम में लेके आया हूँ मोदी जी को, ये मेरा सौभाग्य भी रहा है। तो ये थे BJP के जो कार्यकर्ता, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व यहाँ पर वो आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली है, तो अभी फिलहाल तैयारी चल रही है बस। अब बिल्कुल हरीश, तैयारियां चल रही है, जनता में उत्साह है, जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं और आपके पीछे वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विशाल जनसभा को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है। हरीश, जरा ये समझाए, सीट की समीकरण की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर इस रैली के जरिए या इससे पहले की रैली हम देखें तो लगातार विपक्ष पर बरस रहे हैं, यहां एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही साथ किस तरह से यहां पर समीकरण को साधने की कोशिश करते हुए भी नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी? जी जी बिल्कुल रंजना, देखिए ऋषिकेश जो है वो उत्तराखंड का एक हृदय है और इस हृदय से 3 गढ़वाल लोकसभा की सीटें आती है जिसमें पौड़ी लोकसभा सीट है जिसमें अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है BJP की ओर से, दूसरी प्रत्याशी टिहरी संसदीय सीट है जिसमें माला राजलक्ष्मी शाह को BJP का प्रत्याशी बनाया गया, तीसरी सीट है हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। तो नरेंद्र मोदी आज IDPL मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे और तीनों सीटों को यहां से साधेंगे और ये इसीलिए इस चुनावी रैली का नाम दिया गया है विजय संकल्प रैली। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता भोगना है, मैं रानी पोखरी मंडल से आई हूं, मंडल में मंत्री हूं। तो हम मोदी जी का वो उत्साह इतना था कि हम 6 बजे ही आके यहाँ पे, हम 6 बजे से थे और 7 बजे हमें सीट मिल गई थी। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? भरपूर उत्साह है, हमारे मंडल से लगभग 20 बसें आई हुई हैं जो अभी, और बहुत ही सब जगह सब लोगों का उत्साह है तभी तो 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। ये है, आपका क्या नाम है? बीना रमोल। मोदी जी का इंतजार हो रहा है? हाँ जी, बेसब्री से जी, मोदी जी को सुनने आए। हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू भोगना है,
मैं भाजपा मंडल में कार्यकर्ता हूँ रानी पोखरी से, और मोदी जी का बहुत इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है कि कब आएंगे और जल्दी जल्दी वो आएँ, हम उनका स्वागत करें। ये हमारे जनता में कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन है जनता में, अथाह समर्थन है। जब से राम मंदिर बना तब से तो और हो गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब लोगों का यही उत्साह है कि मोदी जी आए आए। बिल्कुल, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। आपका क्या नाम है? अंचल गिरसाली। मोदी जी का इंतजार? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है और मैं रानी पोखरी से हूँ। हम बहुत समय से अपने मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, आज हम अपने मोदी जी को सुनने आए हैं। हमारा एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। इस विजय संकल्प रैली में हम आए हैं आज, हमारे आदरणीय पूरे विश्व के हमारे जो मोदी जी हैं, आज हम उसको सुनने के लिए आए, हमारा पूरा मंडल यहाँ पे पहुँच चुका है। धन्यवाद। तो और भी हमारे साथ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज शर्मा, मैं रानीपुरी मंडल से हूँ। मोदी जी की इस विजय संकल्प रैली के लिए कार्यकर्ता में भारी उत्साह है। हम क्या पूरे प्रदेश में मोदी जी के लिए काफ़ी उत्साह है, और हम जो है मोदी जी को 400 पार कराने का संकल्प लिए बैठे हैं, और अपने प्रदेश में हम 500 सीटें भाजपा को देंगे। कार्यकर्ता में भारी जोश और उत्साह है। ठीक बात है। तो ये हमारे साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे नेता हैं और हम उनको जो लक्ष्य रखा गया है 400 पार का, उत्तराखंड से भी 500 सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में जाने वाली है। इसके अलावा अभी जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बाहर जो है स्कैनिंग करके ही आ रहे हैं। जिन लोगों के पास पास है वही अंदर आएंगे, सुरक्षा के लिहाज से दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आने की अनुमति है। तो तमाम वो कार्यकर्ता जो आज मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं और विजय संकल्प रैली के उत्साह के लिए, वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उत्साहित हैं, और गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सीटों को यहाँ पर साधेंगे, और उम्मीद की जा रही है कि भाषण की शुरुआत गढ़वाली भाषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी रंजना। अब बिल्कुल हरीश, देखिए उनकी भाषा में, गढ़वाली भाषा में, और ये कोई पहली तस्वीर नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी भी राज्य में पहुंचते हैं वहाँ की संस्कृति को वो ज़रूर अपने साथ समेटे ले चलते हैं। हरीश, अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव की, बीजेपी ने यहाँ पाँचों की पाँचों सीट जीती, और 2014 के मुकाबले यहाँ पर 5% वोट परसेंटेज भी बढ़ा था। अगर 2024 की बात करें, जनता का रुख क्या है, किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच मौजूद होकर काम कर रहे हैं, और कैसा वहां का मिजाज है? जी रंजना, ये तीसरा टर्म होगा जब बीजेपी को जो दावा है कि तीसरी बार हम जो है यहां से जीतेंगे, पांचों सीटें जो है भाजपा के खाते में जाएंगी। तो कह सकते हैं कि पब्लिक के बीच में जब हम लोग गए तो पब्लिक ने बताया कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हमें बराबर मिल पा रहा है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं रही हो या राज्य की रही हो, तमाम योजनाएं हैं जिससे जो आम जन है वो लाभ उनको मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह कि मोदी सरकार से लोग यहाँ पर प्रभावित हैं, योजनाओं से प्रभावित हैं। जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको इसका जो है लाभ मिल पा रहा है, जो योजनाएं हैं। तो देख सकते हैं कि अब बस थोड़ा ही इंतज़ार है, करीब 12 बजे पहुंचने का यहां पर समय है, जब नरेंद्र मोदी को यहां से लोग जो है सुनेंगे। बिल्कुल जी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हरीश, आप लगातार बने हुए हैं IDPL मैदान में हैं, और इसी मैदान में थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होगी, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं, किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, और कौन कौन वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। जी जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ CM पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, और गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी, और टिहरी संसदीय सीट से माला राजलक्ष्मी शाह, और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर मौजूद रहेंगे, और उनके पक्ष में मतदान की अपील जो है नरेंद्र मोदी करेंगे। इसलिए चुनावी रैली का विजय संकल्प रैली नाम दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, तमाम पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, और SPG की निगरानी में यहाँ पर पुलिस जो है अपनी कड़ी सुरक्षा के साथ स्कैनिंग कर रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मोदी जी की आगमन के लिए यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमाम सुरक्षा के अधिकारी, तमाम जो है पैरामिलिट्री और मिलिट्री के यहाँ पर जवान जो हैं
सुरक्षा के इंतजाम किए हुए और तैनात है यहाँ पर। जी रंजना बिल्कुल। और देखिए हरीश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से उनका एक खास लगाव है, कई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर चल रहा है, और ऐसे में जनता भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, उनके भाषण को सुनने को लेकर, उनकी एक झलक पाने को लेकर। जी रंजना, देखिए अभी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने एक उत्तराखंड के लोगों को दिल छूने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि जब आप लोग रैली से घर जाएंगे तो आप जो आपके स्थानीय देवी देवता है उनको मेरा भी शीश नवाना, मेरा भी प्रणाम करना। तो इस तरीके की बातें जो लोगों को वो अपना मुरीद बनाते हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये सारी जो बातें हैं, सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये हमने सोशल मीडिया पर भी देखा और यही मोदी को अपना बना लेते हैं। तो कह सकते हैं कि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है, चाहे वो केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य रहा हो या मानसखंड और माला मंदिर की बात हो या पिथौरागढ़ की बात हो। तो देख सकते हैं आपकी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, आप जो भारत माता की जय जयकार के साथ वो कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। एक हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता, मैं सतीश सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चे से हूँ। पिछले लगभग 5-6 दिन से यहाँ लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं मोदी जी के, निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और मोदी जी की जो हमारी योजनाएं हैं, जन जन प्रिय योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे 3 तलाक वाला की स्कीम हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, और मोदी जी का उत्तराखंड से बहुत गहरा लगाव है, क्योंकि मोदी जी के जो गुरु थे वो उत्तराखंड और ऋषिकेश में रहते थे। चाहे केदारनाथ कॉरिडोर का उन्होंने वहाँ पे उसको डेवलप करने का काम किया, चाहे हेमकुंड साहब का रोपवे बनाने का उन्होंने काम किया, तो उत्तराखंड में जो मोदी जी का लगाव है, विशेषकर अपनी बाइट में भी कहते हैं कि उत्तराखंड से उनको बहुत गहरा लगाव है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं ऋषिकेश में, जो विशाल जनसभा आज होने जा रही है, निश्चित तौर पर ये संगनाद है हमारी 5 की 5 सीट, बहुत बड़े लंबे मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। और फिर मोदी जी की सरकार हम 400 पार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर फिर मोदी जी इस देश को उन्नति और प्रगति की ओर लेके जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लगातार विकास काम उन्होंने किया और आगे भी लगातार विकास के काम मोदी जी करते रहेंगे, और अन्य योजनाएँ और मुझे लगता है इससे भी बड़ी योजनाएँ और देश को मिलने वाली हैं। तो रंजना, साफ तौर पर तस्वीरें ये कहती है जो बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि मोदी जी देश को, बिल्कुल हरीश, तस्वीरें ये बता रही है कि जनता हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, जोश उनका हाई नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे तो क्या संदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं को देते हैं, और जनता को संबोधित करते हुए किन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। तमाम जानकारियों के लिए हरीश।